So मेरी माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज माई डेब्यू फिल्म एंड थ्रू आउट माई लाइफ मैं और मेरी फैमिली हमेशा टी वी पे मूवीज एंजॉय करते थे. सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज नाउ आई एम कमिंग इन अ फिल्म. सो एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड एंड दे लव्ड द ट्रेलर बिकॉज द फिल्म आई मीन द ट्रेलर मेक्स द फिल्म लुक क्यूट एंड अ फैमिली एंटरटेनर. So we all are looking very forward to it and I can't wait for it, keeping my fingers crossed. I hope you all like this film because we all have put in our really like our heart and soul into it. It's a labor of love. So I hope you enjoy it. And talking about film, how was your experience working with Sana and all the stars? So Sana is a very, very sweet person. Coming from the family that she does, I did not expect her to be so humble and grounded. But she was very nice and very sweet, and it was a lot of fun shooting with all of them. Like, we all had a lot of fun on set. So, thank you. Thank you. Cheers. Bye bye. Really, that's amazing. आपको क्या compliments मिले? थोड़ा सा बताइए किस तरह का response मिला है अगर आपने check किया हो? I think I'm very excited क्योंकि trailer actually में जितने भी लोगों ने मुझसे बात की है, जो कुछ घंटों में काफी लोगों ने मुझे कहा हमने आपका trailer देखा और बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है. मैं खुद बहुत लाइक देखना चाहती हूँ फिल्म. मैंने भी इतने टाइम में देखी नहीं है. सो इट्स ग्रेट एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब जैसे आसपास के वो लोग जैसे मेरी बिल्डिंग के जो वॉचमैन है उनने मुझसे कहा कि उनने देखा है और उनको अच्छा लगा. और फिर मैं एक मीटिंग पे गई थी जो एक कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर थे उनके साथ बात हुई, उनने कहा अच्छा लगा. सो इट्स वेरी नाइस टू सी कि बहुत अलग अलग हर सबको रिलेटेबल लग रही है, सिंपल लग रही है, स्वीट लग रही है, विच आई थिंक हमारी फिल्म है. सो दैट्स रियली नाइस. किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा बताया किस तरह का किरदार है? अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता है कि सरोज कैसी है. मतलब बेमतलब की बॉटल उठा के सर पे मार देना, मतलब बेमतलब तो नहीं पर वैसी है, मेरी जैसी बिल्कुल नहीं है. लेकिन कैरेक्टर वही है, स्वीट है, नॉर्मल है, जो है उससे खुश है. और ये मेरा कैरेक्टर, तुम अपना बताओ. अरे तो बेसिकली आई एम प्लेइंग, मैं एक जिम ट्रेनर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. जो ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा कि मेरा क्या आर्क है फिल्म में, बट once you watch the trailers and films and other songs, तब थोड़ा और आइडिया होगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है. तो इट बी बेटर अगर आप फिल्म देखो और मेरे कैरेक्टर के बारे में और जाने उसके उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या लगा और आपको क्या लगा आप बता. बट हाँ, शूट करते वक्त हमें बहुत मजा आया. थैंक्स टू डायरेक्टर अभिषेक सक्सेना फॉर ट्रस्टिंग इन अस. तो हाँ, इतना कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स बहुत सही है एंड आई होप यू रिलेट टू इट, यू कनेक्ट विद इट. And you guys like it. And real है, you know, मतलब at least मुझे ऐसा लगा कि हमारे characters normal, real लोग हैं, जो आपको हर शहर के अंदर मिल सकते हैं. हाँ, exactly. So that's our character. मुझे लगता है जो इस film की जो अच्छी quality है, वो ये है कि ये किसी प्रिटेंस के अंदर आप ना रहो, ये बताती है और ये कहती है कि आप जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो, वैसे ही अच्छे हो, वैसे ही रहना चाहिए. हम जो ये प्रिटेंसेज आजकल करने लगे हैं, हम जो ये ऊपरी ऊपरी चीज़ें और भेदभाव करने लगे हैं, वो नहीं होना चाहिए. और मैं मानती हूँ इस चीज़ को लेकर बहुत सॉलिडली मानती हूँ कि प्रिटेंस के बगैर रहोगे तो ही खुश रहोगे. Correct. जो हमारी फिल्म कहती है. मैम, क्या सना आपसे कुछ सजेशन लेती है जब कोई फिल्म करना हो? सना अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल है और मैं बहुत डरती हूँ सना से. मैं कभी कुछ नहीं कहती किसी को, मतलब वो ठीक, वो जानती है वो क्या करना चाहती है. आजकल के बच्चे कोई माँ बाप का सुनते हैं क्या कि वो ये सुनने लगी? ट्रेलर देखा है, फिल्म किसी ने अभी तक देखी नहीं है, मॉम ने भी नहीं देखी है. बट जिन्होंने भी ट्रेलर देखा उनको ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. वही है कि एक ओल्ड बॉलीवुड स्वीट रोम कॉम वाली जो वाइब है, इट्स लाइक अ बैक टू द ओरिजिनल काइंड ऑफ थिंग, जो फीलिंग सबको आ रही है, तो सब यही कह रहे हैं. अभिषेक जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और थोड़ा सा बताइए कि सना और सर के साथ? मेरा तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर्स हम लोग हमने बहुत परेशान किए ना यार, बहुत परेशान किए शूट में.
जो कैरेक्टर्स लिखे थे ऐसा लग रहा था कि ये रियल में वही हैं, तो कुछ हमें मतलब बदलना नहीं पड़ा, कुछ समझाना नहीं पड़ा, सब फ्लो में चलता गया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं एक्चुअली सिर्फ खाता था समोसे और एक्शन कट बोलता था, I'm glad मेहनत to know. नहीं कर रहे थे। I'm glad to know कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी। आप सब थिएटर में आएंगे और प्लीज जाइएगा देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है आजकल लोगों को इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले और कहानी अच्छी हो, परफॉर्मेंसेस अच्छे हो, तो वो ऑडियंसेस लेने के लिए रेडी है, पर अलग कहानियाँ चाहिए, अलग सिचुएशंस चाहिए उनको। जो मुझे लगता है इस फिल्म में इसकी खूबसूरती ही ये है कि बहुत फ्रेश है, बहुत नई, मतलब ऐसा देखा नहीं पहले, और वो एक USP बन सकती है इस फिल्म की, और आई एम श्योर बनेगी। और स्वीट फिल्म लग रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही, कोई फैमिली के साथ आप देख सकते हो, और फिर भी कुछ कहती है वो। मुझे लगता है आजकल की ऑडियंसेस चाहती है कि कुछ नया देखे, क्योंकि इतना वाइड स्कोप है ना आजकल, आप कहाँ कहाँ की फिल्में, कहाँ कहाँ के शोज़, कहाँ कहाँ की चीज़ें इतनी सी चीज़ पे देख सकते हो, तो वी आर नॉट कम्पीटिंग विद आर सेल्व्स, वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड समथिंग विच इज़ जेन्यून, विच इज़ रियल एंड विच इज़ ट्रू ऑलवेज वर्क्स। सर इम्पैक्ट मुझे लगता है कि हमारा तो काम है अपना करना, हमने करा है, अब ऑडियंस के हाथ में, आप लोगों के हाथ में, प्रेस के हाथ में है और आम जनता के हाथ में, उसको अगर समझ में आता है तो वो लेती है, नहीं समझ में आता तो नहीं लेती है, तो उसमें कुछ हम कर नहीं सकते। मतलब हम जेन्युइनली फिल्म बना सकते हैं, हम सिर्फ अपने इंटेंशंस क्लियर रखे, अपनी स्क्रिप्ट को संभाल के, कि हमें पता है हमें क्या कहना है नहीं कहना, हम अगर पेपर भी करेक्ट हो जाएं तो मुझे लगता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। Absolutely. जो हमारी फिल्म भी है, यू सर्टिफिकेट मिल गया हमें, छोड़ो भाई अच्छी बात है, यू सर्टिफिकेट आजकल कम फिल्मों को मिलता है, तो हमारी फिल्म भी उनमें से एक है। मेहनत करना मेरे हिसाब से, आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप जब तक नई चीज़ और अलग चीज़ों को नहीं परफॉर्म करोगे, तो आप ही खुद स्टेल हो जाओगे, खुद ही बोर हो जाओगे, तो ऑडियंस को क्या है। वेरी कूल कॉन्सेप्ट, मतलब इट हैज बीन माई जर्नी, यू ऑल कैन सी मी, इट हैज बीन माई जर्नी थ्रू एंड थिन, कि मैं आई हैव फेस्ड ऑल दिस, एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड अपॉन द स्क्रिप्ट ऑल्सो, सो इट इज़ फ्रेश, इट इज़ नाइस, एवरीबडी इज लाइकिंग द ट्रेलर सो मच, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबको, विच इज़ अ रियली पॉजिटिव थिंग फॉर अस, सो लेट्स सी, लेट्स होप अच्छी फिल्म लगे सबको, आज आप लोग सारे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, आई होप यू ऑल विल एंजॉय। मुझे लगता है जो भी जर्नी होती है वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव वे के अंदर कन्वर्ट होती है, तो मुझे लगता है जो भी हुआ होगा इस दौरान, हम लोग डिले हुए, कोविड आया, जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए होगा हमारे, और यही सोच के हम लोग आगे बढ़ गए हैं और अब फाइनली थिएटर्स पे आ रही है फिल्म। हम यही सोच रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। सी हम लोग एक ये फिल्म तो हमारी आई रही है 16 सितंबर को, एक मैंने अरशद वारसी मेहरविज के साथ एक फिल्म करी है बंदा सिंह, पोस्टर रिलीज हो चुका है अगर आप लोगों ने देखा, तो वो भी इस साल एंड तक आने वाली है फिल्म, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर है वो फिल्म भी, तो वो भी अब रिलीज़ पे है बहुत जल्दी, जो डायरेक्टेड बाय
माय मी अभिषेक सक्सेना. मूवी नहीं देखी अभी पूरी, बट आई वॉज देयर ऑन द शूट ऑफ कोर्स. ट्रेलर हमने बहुत दिल से काटा है सबके लिए, हमें पता है इतना फ्रेश कॉन्टेंट है. वी रियली वॉन्ट टू पुट इट टू एवरीबडी हियर कि आप सबको भी अच्छा लगे वो कॉन्टेंट. इट्स आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू द थिएटर्स टू वॉच अ फिल्म, बट अगेन हैप्पी चीज़ें होती हैं, अच्छा लगता है किसी को. तो ऑफकोर्स हम भी जा रहे हैं थिएटर, सब जाएंगे. So I just request to everyone that please go watch. It's a mehnat done by all of us. You all should appreciate. It's a beautiful family film. नहीं बस यही है, चैलेंजिंग टाइम है डेफिनेटली. उसमें हमारी कोशिश है कि एक ऐसी फिल्म हम लोग लेकर आएँ जो लाइट हार्टेड हो, ठीक है. एंड ऑफकोर्स हमारी पहली फिल्म है एंड आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ आप लोग भी देखिएगा एंड सही लगता है तो अच्छा. सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जैसा टाइम चल रहा है आपको पता है कि फिल्में बहुत कम वर्क कर रही हैं. तो ऐसे टाइम में ऐसे माहौल के अंदर एक स्वीट फैमिली फिल्म जो पूरे परिवार बच्चों से लेकर बड़े तक जो चाहे वो देख सकता है बिना किसी हिचकिचाट के, और कुछ ना कुछ कह के जाएगी, मैसेज दे के जाएगी. फिर आज आप सब ट्रेलर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग. मैं बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी टाइम से हमने रिकॉर्ड किया हुआ था गाना एंड आई वाज रियली वेटिंग कि कब बाहर आएगा. बहुत सारी रीजंस हैं, एक तो इतनी प्यारी सी फिल्म लग रही है ऑलरेडी ट्रेलर से और इसका नाम ही बहुत अच्छा था. सो आई वाज होपिंग कि चलो वेडिंग सीजन के पास कहीं रिलीज़ होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. ऑल्सो मीका बाजी के साथ मैंने गाया है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और इतने यू नो बड़े सिंगर, ही इज़ अ मेंटोर टू मी और उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनकी बहुत सपोर्ट रही है. बट अभी तक कोई गाना उनके साथ नहीं आया था सो ये शुरुआत हुई है. एंड उसके अलावा पल्लो लटके, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है मेरे गाने को, उसी के मेकर्स कंपोजर्स जैन सैम और रईस ने इस गाने को बनाया है वापस से. तो आई होप पल्लो लटके जितना प्यार या उससे ज़्यादा प्यार आप लोग उसे दें. एंड फिर लिखा है सोनू सग्गू पाजी ने, जो कि ही इज़ लाइक अ ब्रदर फिगर टू मी. सो बहुत बहुत खुशी हो रही है इस फिल्म के साथ जुड़ के. आई वुड लव टू सिंग एंड सिचुएशन मुझे एग्जैक्टली खुद नहीं पता. आज आपकी तरह मैंने भी आज ही वीडियो देखा है पहली बार. सो हम लोग साथ में देखेंगे होपफुली कैसा प्लेस किया गया है गाना. बट द वीडियो इज़ लुकिंग रियली नाइस. आई एम रियली हैप्पी हाउ इट हैज़ बीन शॉट. पूरा डांसी वाइब है. सो आगे आने वाले जिसके भी शादी संगीत वगैरह के लिए शॉट हो गया आई थिंक ये गाना. सो आप लोग डांस कर सकते हैं इस पर. एंड द सॉन्ग पाजी के बिना थोड़ा अधूरा लगेगा, ड्यूएट है तो मैं अपना पार्ट लेकिन गा देती हूँ. फेस वेख अपना ही चक्कर चलाईदा वे सोने तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा, तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा, तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा, तेरे जेहा मुंडा मैनू नहीं हो चाहिदा. अच्छा ऐसा है क्या? क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? यार मेरा रिश्ता तो हो नहीं रहा तो मैं एक्साइटेड हूँ सरोज का रिश्ता देखने के लिए. सो अभी ट्रेलर लॉन्च है तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म. 16 सितंबर को आ रही है. क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म से? यार एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी भी चाहिए. वो कह रहे साथ में तो भाई एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं और होनी चाहिए. और फ्रेंड्स की फिल्म है, जो डायरेक्टर हैं और अभिषेक उन्होंने बनाई है और गौरव और बाकी सारे फ्रेंड्स हैं. तो बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है. बहुत ही फ्रेंडली फिल्म है और देखते हैं रिश्ता किसके साथ होता है क्या होता है. यार बढ़िया है, मैंने तो ट्रेलर देख लिया है. अरे पहले देख लिया तो आप लोग को देख लो, बड़ा अच्छा ट्रेलर है, मज़ेदार ट्रेलर है. और मैं भी फिल्म में रोल करने वाला था पर भी ना बट चीज़ें नहीं हुई. बट ठीक है, आई एम हियर टू सपोर्ट अभिषेक सक्सेना साहब एंड इट्स अ फन फिल्म. यार देखो सब लोग आपके ये आ रही है, दो तीन फिल्म्स आ रही हैं अभी. एक की है मैंने वाइल्ड वाइल्ड पंजाब है, फुकरे 3 है, ड्रीम गर्ल 2 है. तो ऐसे हैं बाकी देखते. मेरी गुमराह यार आदित्य रॉय कपूर के साथ और गिल्टी माइंड्स 2 आएगा वो, लेकिन अभी टाइम है उसमें. और एक दो म्यूजिक वीडियोस आ रही हैं. थैंक यू. ये सरोज के रिश्ते के मैंने दो ट्रैक सुने जो रिसेंटली रिलीज हुए हैं, और अभी मैंने जो गाना लिखा है वो भी, वो तीनों गाने बहुत अच्छे गाने हैं एंड स्टोरी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड म्यूजिक इन द फिल्म. तो एक्साइटेड कि किस तरह का रिजल्ट आता है क्योंकि गाने अच्छे जा रहे हैं, पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है.
अच्छा अभिषेक जी की तरफ से क्या ब्रीफ था? यार अभिषेक जी की तरफ से ब्रीफ स्टोरी मतलब वो पूरे नरेट करते हैं हम लोग जब बैठते हैं, तो अभी नेक्स्ट फिल्म भी उनकी आ रही है तो उसमें भी हमारा एक वो था, तो पूरा एक गाना कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसके पीछे स्टोरी है, इमोशंस है, तो एक एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ से गाना शुरू होगा, यहाँ उसको जाना है, देन फिर उसके जो इमोशंस, क्योंकि मुझे जो गाना दिया जाता है मैं उसको एज अ हीरो खुद को समझ के ही मैं लिखता हूँ, तो इसमें भी मैंने वही किया कि जो इमोशंस हैं, जो जो दर्द है उस गाने का जो स्टोरी को नरेट करता है वो पूरा डालने की पूरी कोशिश की है, और गाना बहुत जल्दी अभी आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के इमोशन से गाने में। और इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी लाइगर में है, बाकी आगे भी कई फिल्म है, अभी एक फिल्म ख़त्म हुई है जस्ट, अच्छे गाने चल रहे हैं एक फिल्म के भी, तो वो थी, नेक्स्ट हैं कई फिल्में हैं, कुछ धर्मा की फिल्म्स हैं, कुछ टी सीरीज़ की हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। या मोस्ट वेलकम। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले सरोज का रिश्ता? हाँ जी, ट्रेलर देखने के लिए कितने एक्साइटेड है? ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, मैंने गाड़ी में देख लिया एंड आई मस्ट से इट्स अ वेरी फन वेरी क्वर्की ट्रेलर एंड बहुत मज़ा आया मुझे देखकर एंड आई रियली कांट वेट टू वॉच द फिल्म एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। और परफॉर्मेंस कैसी लगी? सना कपूर है और अभिषेक जी, आई थिंक एवरीबडी इज फैब। अभिषेक लाइक he is my friend's husband, so I've come here for like the support and I was honestly very excited trailer dekhne ke liye and meri tabiyat thodi si theek nahi thi but I still made it and no I think everybody has done a great job. Sana looks so cute, itni pyari lag rahi hai, also Randeep, he's a friend and everybody I think congratulations. Mumbai ka traffic? Yes. बहुत ही कमाल है, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं फ्लाइट में अहमदाबाद या दिल्ली पहुँच गई होती।